लिफ्ट के केसेस में सपोज ये आपके सामने एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में ये एक मैन खड़ा हुआ है और इसके नीचे वेइंग मशीन भी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है लिफ्ट के अंदर और यही निकालना होता है वेइंग मशीन कितना वेट देगा, बस ये क्वेश्चन है। पहले एक पॉइंट को समझ लें, वेइंग मशीन का प्रिंसिपल क्या है। वेइंग मशीन क्या करती है, वेट को मेजर करके बताती है कितना वेट है। कैसे, प्रिंसिपल क्या है, आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं, आप वेइंग मशीन पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो बदले में वेइंग मशीन भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है। जो वेइंग मशीन आपके ऊपर फोर्स लगाती है, इसका मतलब आपने भी उतनी ही फोर्स लगाई थी तभी उसकी रीडिंग सेम आ रही है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसका मतलब कि वेइंग मशीन के अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन आता है एन, एन मान लो वेइंग मशीन है, इस बंदे ने वेट क्या लगाया एम जी, और बदले में क्या मिला, मशीन ने क्या दिया इसे, नॉर्मल रिएक्शन एन। तो नॉर्मल रिएक्शन किसने दिया, मशीन ने दिया, फ्लोर ने दिया। फ्लोर ने क्यों दिया, क्योंकि मैन ने क्या लगाई इसके ऊपर, फोर्स लगाई, जो भी फोर्स लगाई बदले में सेम फोर्स मिली, वही उसका वेट है। तो वेइंग मशीन क्या मेजर करके बताती है, एन, याद रखना वेइंग मशीन क्या बताती है, नॉर्मल रिएक्शन एन। आप कहोगे ये बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा कैसे एन भाई, वेइंग मशीन तो एम जी मेजर करके बताती है। देखो दो, एक अगर ध्यान से देखें, आम इंसान से पूछें वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, वो कहेगा वेट। आपसे पूछा जाएगा वेट क्या होता है, आप बोलोगे एम जी, लेकिन मैं एम जी नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, एन। ये क्या चक्कर है, ऐसे कैसे, क्या एन और एम जी में फर्क है, नहीं फर्क नहीं है, इसमें फर्क नहीं, लेकिन फर्क पड़ सकता है, मैं आपको बताऊं। इमेजिन करो एक एक स्टूडेंट है जी, यहां पे खड़ा हुआ था वेइंग मशीन पे, उसका वेट ना मान लो 70 न्यूटन था, ठीक है। तो इमेजिन करो ये एक वेइंग मशीन है, ये एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, इसका वेट कितना है, एक्चुअल वेट 70 न्यूटन है इस बंदे का, सच में 70 न्यूटन है। तो 70 न्यूटन इससे पूछा तू कहां लगा रहा है, इसने कहा यहां लगा रहा हूं। तो वेइंग मशीन ने भी रिएक्शन क्या शो किया, नॉर्मल एन, जिसकी वैल्यू कितनी है 70 न्यूटन, तो रीडिंग क्या आएगी 70 न्यूटन, कोई डाउट इसमें, सही है, सही रीडिंग आ रही है, डन। इमेजिन करो एक मिनट के लिए, कोई सपोज ये वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ, जैसी खड़ा हुआ था मैंने स्टूडेंट को ना हल्का सा ऊपर से उठा दिया बाजुओं से, हल्का सा जोर लगा रहा हूं, पूरा नहीं जोर लगा रहा, हल्का सा। या सपोज करो एक रस्सी पकड़ रखी है उस स्टूडेंट ने और रस्सी पे जोर लगा रहा है, खड़ा भी है रस्सी पे जोर भी लगा रहा है। अब लोगों को क्या बोल रहे हैं, मेरा वेट कितना है जी 70 न्यूटन, चेक करवा लेना, एक्चुअल तो 70 ही है, लेकिन वेइंग मशीन पे जब वो खड़ा होता है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि किसी ने इसको ऊपर खींचना शुरू किया बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन से कॉन्स्टेंट फोर्स से कोई ऊपर फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, लेकिन एक्चुअल वेट इसका 70 न्यूटन ही है, लेकिन वेइंग मशीन यहां पर 70 शो नहीं कर पाएगी, कितना कर पाएगी 65। वो क्यों 65, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 5 ये मान लो ऊपर की फोर्सेस हैं, ऊपर की फोर्सेस क्या है 5 न्यूटन और साथ में ऊपर की फोर्स क्या है एन, तो 5 + n इज इक्वल टू नीचे की फोर्स क्या है 70, क्योंकि बंदा तो रेस्ट पे ही है, मूव तो कर नहीं रहा, तो ऊपर की फोर्सेस इक्वल टू नीचे की फोर्सेस, तो आंसर कितना आएगा 65। वेइंग मशीन का तो कोई कसूर नहीं ना, वेइंग मशीन को वो बंदा कह रहा है कि मेरा असली वेट तो यार 70 न्यूटन है, 70 क्यों नहीं शो कर रही, 70 कैसे शो करेगी, तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा लगा के उसको ऊपर खींचे जा रहे हो, तो वेइंग मशीन पे जोर तो कम लग रहा है ना, तो वेइंग मशीन यहां पर क्या करेगी, वेइंग मशीन यहां पर फोर्स क्या शो करेगी 65। तो यानी कि वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी, नॉर्मल रिएक्शन। ये पॉइंट समझ में आया, तो वेइंग मशीन एम जी नहीं मेजर कर सकती, वो एम जी तब मेजर करेगी जब कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं है, कोई ऊपर की फोर्स लग नहीं रही, बस एक्चुअल वेट 70, किसी ने टच नहीं किया, 70 इक्वल। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो एक्चुअल वेट तो 70 ही रहे, लेकिन वेइंग मशीन की रीडिंग 70 नहीं आएगी, उसे कम ज़्यादा हो सकती है। आपने ये भी देखा होगा कई लोग शरारत भी करते हैं, एक बंदा वेट करना करने के लिए खड़ा हुआ, तो दूसरा शरारत करने के लिए पीछे से ना या पैर लगा देगा वेइंग मशीन पे, या उसको जोर की दबाना शुरू कर देगा, वेट बढ़ जाएगा। अब वेइंग मशीन पे जोर बढ़ गया, वो तो बेचारी नॉर्मल रिएक्शन मेजर कर रही है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया,
उस बंदे का वेट थोड़े ना चेंज कर दिया, उस बंदे का वेट तो अभी भी 70 न्यूटन है, लेकिन तुम अगर उसके ऊपर शोल्डर पे फोर्स लगा के दबा रहे हो उसे 5 न्यूटन के साथ, तो वेइंग मशीन 70+5 75 शो करना शुरू कर देगी। तो वेइंग मशीन का कोई कसूर नहीं है, इसलिए वेइंग मशीन एमजी मेजर नहीं करती कभी भी। क्या मेजर करती है? एन मेजर करती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग एमजी के साथ जाएंगे, गलत होगा, एन निकालना। चलो स्टार्ट करते हैं लिफ्ट का केस। इमेजिन करो ये बंदा लिफ्ट में खड़ा हुआ है, लिफ्ट रेस्ट पे, और इसका वेट एमजी है और बिल्कुल कोई इसको टच नहीं कर रहा और लिफ्ट भी रेस्ट पे है, नॉर्मल रिएक्शन इसका एन है। तो एन की वैल्यू क्या है? तो एन की वैल्यू इज इक्वल टू एमजी, कोई डाउट इसमें? सही है। तो एन इज इक्वल टू एमजी, कोई टच नहीं कर रहा, लिफ्ट चल नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका वेट क्या आएगा? एक्चुअल वेट ही आएगा, एन इज इक्वल टू एमजी। पहला केस क्लियर है लिफ्ट का। दूसरा, मान लो लिफ्ट ऊपर एक्सलरेट कर रही है। अगर लिफ्ट ऊपर एक्सलरेट कर रही है और वेइंग मशीन इसके नीचे पड़ी हुई है और ये मैन जो है नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है उस वेइंग मशीन की वजह से और वेट इसका कितना है एमजी, तो मेरे को ये बताना है कि वेइंग मशीन ने कितना वेट मेजर किया जब ये लिफ्ट ऊपर एक्सलरेट कर रही है। तो मतलब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? एन, मैं एन निकालना चाह रहा हूँ जब ये लिफ्ट ऊपर एक्सलरेट कर रही है। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है जब सूडो फोर्स की थी, तो न्यूटन की क्या समस्या थी कि हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आंसर दे रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आंसर दे रहे हैं, दोनों में फर्क है। तो न्यूटन ने कहा आप इस न्यूमेरिकल को दो तरीके से कर सकते हो, तुम ग्राउंड पे रह के भी आंसर दे सकते हो, तुम लिफ्ट के अंदर जाओ इस बंदे के साथ खड़ो तो भी आंसर दे सकते हो। तो मैं आपको दोनों मेथड करके दिखाता हूँ, आंसर दोनों में सेम आएगा। पहले इमेजिन करो आप पूरा सिचुएशन देख रहे हो और आप कहाँ पर खड़े हुए हो? ग्राउंड पे। तो मैंने आपसे ये पूछा, तुम ग्राउंड पे खड़े रहो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो तुम्हें मैन ऊपर जाता दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये सिचुएशन है ऊपर जा रही है और तुम ग्राउंड पे खड़े हो, तो क्या ये लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तुम्हें मैन दिख रहा है, क्या ये मैन ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा आपके लिए? जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ तुम लिफ्ट के अंदर जाके खड़ जाओ इस बंदे के साथ और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, तो अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि तुम तो लिफ्ट के अंदर हो, तुम्हें मैन क्या नजर आ रहा है, क्या एक्सेलरेट करता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो तुम क्या बोलोगे? कि मैन इज लाइंग एट रेस्ट। भाई तुम लिफ्ट के अंदर चार लोग घुसते हो, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, क्या तुम एक दूसरे को देख पाते हो कि ऊपर उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा? रेस्ट पे ही होते हो ना। लिफ्ट के अंदर जाके तो आपको ये मैन रेस्ट पे ही नजर आएगा, लेकिन ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा कहेगा देख लिफ्ट ऊपर चली गई, मैन भी ऊपर चला गया। तो हम एक काम करते हैं, हम ग्राउंड पे रहते हैं, अगर हम ग्राउंड पे हैं तो हमें ये मैन के ऊपर दो फोर्सेस नजर आएंगी, एक एमजी और एक एन। और ग्राउंड पे खड़े बंदे से पूछा कि भाई देख ये ऊपर जा रहा है, तो इसने लगाया न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि अगर ये बंदा ऊपर जा रहा है तो ऊपर की फोर्स बड़ी नीचे की फोर्स छोटी होगी, पक्की बात है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए ऊपर की फोर्स बड़ी होनी चाहिए, नीचे की फोर्स छोटी होनी चाहिए। तो नेट फोर्स क्या है? एन माइनस एमजी। अभी किया ना पुली वाले सेम क्वेश्चन किए, तो अगर ये मैन ऊपर जा रहा है तो एन बड़ा है, एमजी छोटा है, तो नेट फोर्स क्या है? एन माइनस एमजी इज इक्वल टू एम इन टू ए। तो एन की जगह क्या आ गया? एमजी प्लस एम ए। तो नॉर्मल रिएक्शन की ये वैल्यू आ गई। तो नॉर्मल रिएक्शन एमजी नहीं होगा इस केस में, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? एम इन टू जी प्लस ए। मतलब इस बंदे का वेट वेइंग मशीन पे ज्यादा फील होगा। अगर 70 न्यूटन है, हो सकता है 75 न्यूटन रीडिंग आ जाए अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? एक कैसे किया समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सेम चीज, अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है तो आप ग्राउंड पे खड़े हैं, आप अपना आंसर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही देना। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये मैन है, मैन का वेट एमजी है, नॉर्मल रिएक्शन एन है, और मैन तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है? नीचे आता हुआ नजर आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो कौन सी फोर्स बड़ी होनी चाहिए? एमजी। और कौन सी छोटी? एन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन। तो एन की वैल्यू क्या आ गई? एम इन टू जी माइनस ए। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है जब किसी झूले में नीचे गिराया जाता है हम लोगों को, रोलर कोस्टर नीचे आता है, जायंट व्हील नीचे आता है, कोई बहुत खतरनाक झूला नीचे आता है, आप स्लाइड से नीचे गिरते हैं, आपको खतरनाक फीलिंग आती है। वो यही है, क्योंकि आपका वेट कम हो जाता है, वो बटरफ्लाईज उड़ती हैं इस टाइप से, क्या घबराहट हो रही है,
वो यही है, क्योंकि एन हमें वेट बढ़ना तो ठीक लगता है, वेट कम होना हमें अच्छा नहीं लगता। तो एन इज इक्वल टू एम इन टू जी माइनस से। और सोचो अगर तुम्हें कोई लिफ्ट के अंदर बैठे हो और लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, तो लिफ्ट की एक्सलेशन क्या हो जाए, जी। तो जी में से जी क्या, जीरो, नॉर्मल रिएक्शन जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो मतलब क्या, वेइंग मशीन कोई वेट ही शो करेगी, ऐसा क्यों, क्यों? तुम्हारे पैर लगेंगे तब ना, जब लिफ्ट की रस्सी टूटेगी तुम तो शोर मचा रहे होगे कि गए, तुम कहां उड़ रहे हो, मशीन कहां उड़ रही है, सामान कहां उड़ रहा है, किसको क्या पता। तुम क्या लिफ्ट के ऊपर फोन करोगे किसी को गिरते गिरते, पैर लगेंगे आपके, नहीं लगेंगे। ये वेटलेसनेस की कंडीशन है। आप जो वेइंग मशीन है उस पर पैर भी लगा नहीं पाएंगे अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, सब उड़ रहे होंगे। इसलिए एन क्या हो जाएगा वहां पर, जीरो। कभी भी एन जीरो हो जाए, बस समझ लेना आपके पैर जमीन से उठ गए, गए, इसका मतलब एन जीरो। फिजिक्स में इसका मतलब यही है, आपके पैर जहां छूट गए, ग्राउंड को छोड़ दिया आपने, एन जीरो। ये बहुत क्वेश्चन आएंगे इसमें कि आपका पैर जमीन से उठ गया, एन जीरो। सबसे पहले एन जीरो करते हैं हम। समझ में आ रहा है यहां तक? तो क्या ये रूल सबको क्लियर है यहां तक? तो आपने ये नहीं, आपसे कोई पूछेगा पेपर में, कोई नहीं करवा रहा आपसे ये रूल, आपको सीधा पेपर में आएगा। एक बंदे का मास एम है, मान लो 15 केजी है, और मान लो एक्सेलरेशन ए है लिफ्ट की, और लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, वेइंग मशीन क्या शो करेगी? तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, एन इज इक्वल टू एम इनटू जी प्लस से। इसलिए इस एन को क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट। ये चेंज हो सकता है, इसलिए इसका नाम एपरेंट वेट है। एम जी एक्चुअल वेट है, एम जी कभी चेंज नहीं होता, अनलेस आप प्लैनेट चेंज ना कर लो। अब मून पे जाके करोगे तो जी कम हो जाएगा, आपका वेट कम हो जाएगा, अदरवाइज एन चेंज होता है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही थी, और लिफ्ट जब एक्सेलरेट कर रही है तो आपने ये नहीं मुझे कहा सर आपने सूडो फोर्स नहीं ली। कहा था जब जब लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी अंदर जो सामान पड़ा है उसके ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स। वो तो ली नहीं, बिना सूडो फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्यों किया? जबकि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था अगर कोई लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी न्यूटन का लॉ मत लगाना, आंसर पक्का गलत आएगा, बोला था मैंने। लेकिन यहां पर सही आंसर आया, कैसे? क्योंकि आप कहां पर खड़े थे, ग्राउंड पे, और ग्राउंड क्या माना जाता है, एट रेस्ट। रेस्ट पे खड़ी हुई बॉडी इज एन इनर्शियल फ्रेम, इसलिए न्यूटन का लॉ सही आंसर दे रहा है। समझ में आ रहा है यहां तक? क्योंकि आप ग्राउंड पे काम करते हो, ग्राउंड पे जब जब आप खड़े हो आपको सूडो फोर्सेस लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड तो इनर्शियल फ्रेम है, वो तो रेस्ट पे है, तो सूडो फोर्सेस के बिना भी काम हो सकता है। लेकिन एक स्टूडेंट कहता है कि फिर सूडो फोर्स कब लगाते हैं? तो देखो मेथड टू, अब तुम एक काम करो, तुम इस लिफ्ट के अंदर घुस जाओ, इस बंदे के साथ खड़े हो जाओ, ये लो तुम साथ चले गए इसके, ये रहे आप। पहले वाले मेथड वन में आप कहां पर खड़े हुए थे, ग्राउंड पे। अब तुम कहां पर जा चुके हो, लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर आप यहां पर खड़े हो, अब तुम क्लास में नहीं बैठे, अब तुम लिफ्ट के अंदर हो। सोचो, इमेजिन करना है, लिफ्ट के अंदर हो। फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त है इमेजिनेशन सही होनी चाहिए। आप लिफ्ट के अंदर हो, लिफ्ट के अंदर आपको ये मैन दिख रहा है, बोलो रेस्ट पे है कि मोशन में है? रेस्ट पे है, सही है। लिफ्ट वैसे भी चल नहीं रही, तो अगर रेस्ट पे है तो इससे पूछा भाई तो बता इसके ऊपर कौन कौन सी दो फोर्सेस हैं, इसने बोला एम जी और एन ए। लिफ्ट तो चल नहीं रही तो एन इज इक्वल टू एम जी, तो पहला केस है एन इज इक्वल टू एम जी। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो एन एम जी के इक्वल होगा, ये तो मुझे मालूम है। अब अगर सपोज करो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है और तुम लिफ्ट के अंदर खड़े होकर आंसर देना, ये लो। तो मैंने तुमसे पूछा तुम इसके साथ खड़े हो ना, आपने कहा खड़ा हूं। लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, तुम्हें ये बंदा कहां नजर आ रहा है, ऊपर जाता हुआ, नीचे जाता हुआ कि रेस्ट पे? रेस्ट पे। भाई तुम्हारे साथ लिफ्ट के अंदर बंद होकर खड़ा है तो दोनों रेस्ट पे ही हो, सही है, रेस्ट पे। तो मैंने कहा अच्छा रेस्ट पे है तो न्यूटन का लॉ लगा, एन इज इक्वल टू एम जी। तो लिफ्ट के अंदर दो ही तो फोर्सेस हैं, एक एम जी और एक एन, तो फिर एन इज इक्वल टू एम जी बोलते। लेकिन जैसे वो एन इज इक्वल टू एम जी बोलता है उसका आंसर गलत आ जाता है, क्योंकि अब जो ये बंदा खड़ा है जो आंसर दे रहा है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, क्योंकि ये लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेट। इसलिए एन इज इक्वल टू एम जी न्यूटन का लॉ यहां पर काम नहीं कर रहा। और न्यूटन क्या कह के गया था, अगर तुम इस लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है
और तुम्हें सही आंसर चाहिए लिफ्ट में खड़े होके, तो सूडो फोर्स को ले लेना, आंसर सही आ जाएगा। अब क्योंकि तुम अपना आंसर ग्राउंड के हिसाब से नहीं दे रहे, तुम अपना आंसर लिफ्ट के हिसाब से दे रहे हो जो एक्सलरेट कर रही है, तो अब आपको कंसिडर करनी पड़ेगी सूडो फोर्स, क्योंकि आप लिफ्ट के अंदर खड़े होकर आंसर दे रहे हो, तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन बोलो क्या है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सूडो फोर्स मैन पे कहां लगेगी, नीचे। तो ये मैंने कंसिडर की सूडो फोर्स एन एम जी और सूडो फोर्स एम इंटू ए नीचे, क्योंकि बॉडी का मास एम है और एक्सेलरेशन लिफ्ट की ए है, तो एम इंटू ए नीचे। अब आंसर दो, तुम इसके पड़ोस में खड़े हुए थे लिफ्ट के अंदर ही, तुम्हें ये मैन किस पे नजर आएगा, एट रेस्ट। अब क्योंकि तुमने सूडो फोर्स ले ली तो तुम अब न्यूटन के लॉस तो लगा सकते हो। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है तो ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस, तो एन किसके इक्वल होगा, एम ए प्लस एम जी। आंसर इसमें भी सेम आएगा, तो तुम्हारी मर्जी है तुम लिफ्ट के अंदर घुस के आंसर देना चाहते हो कि अपने बेंच पे बैठ के आंसर देना चाहते हो। मैं कोशिश करता हूँ मैं ग्राउंड पे रह के काम करूँ, सूडो से दूर रहूँ, पर कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब हमें उस फ्रेम में काम करना पड़ सकता है। इसलिए ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बिना सूडो फोर्स के और सूडो फोर्स के साथ, दोनों के साथ आंसर आ सकती है। जैसे अगर ये लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है और तुम इस लिफ्ट के अंदर खड़े हो, क्योंकि ये पूरी प्रॉब्लम लिफ्ट के अंदर खड़े हो के आंसर देने वाली बात है, तो तुम लिफ्ट के अंदर खड़े हो तो तुम्हें क्या लेनी पड़ेगी, सूडो फोर्स। तो अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो सूडो फोर्स एम इनटू ए ऊपर, तुम इसके साथ खड़े हो तो ये बंदा किस पे नजर आएगा, एट रेस्ट, तो ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस, इक्वेट कर दो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चक्कर नहीं। ये सिर्फ समझाने की बात है, मैं चाहूं तो मेथड वन से खत्म कर दूं, आपको ओके आपको ओके, लेकिन ये मुझे बहुत बढ़िया एग्जांपल लगता है जो बिल्कुल प्योर डिफरेंशिएट कर रहा है कि कब सूडो फोर्स लेनी है कब नहीं लेनी, और आपकी इच्छा है, आप लेना चाहो या ना लेना चाहो ये भी आपकी इच्छा है, आप ग्राउंड पे रह के काम करो या लिफ्ट के अंदर जाके आंसर दो, आंसर सेम आएगा। आप अपनी फॉर्मूला बुकलेट में ये प्लीज लिफ्ट के केस बना के इसके फॉर्मूलाज को मेंशन करो, लिखो ये डायग्राम बनाओ, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो एम इन टू जी माइनस ए वाला फॉर्मूला, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों को मार्क करो प्लीज, दोनों को मार्क करो। तो आज के बाद ये प्रूफ नहीं कोई पूछेगा आपसे कि लिफ्ट में ये आंसर्स कैसे आए, आज के बाद क्या पूछेगा कि एक लिफ्ट है, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो एन का फॉर्मूला बोलो एम इन टू जी प्लस ए, और लिफ्ट अगर नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो एन का फॉर्मूला एम इन टू जी माइनस ए। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अच्छा एक चीज बता दो, अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है विथ 2 meters per second square, ये मैन है मान लो 50 kg का, आपको बताना है नॉर्मल रिएक्शन क्या है। तो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एम इंटू जी प्लस ए, एन इज इक्वल टू एम की जगह 50, जी का मतलब 9.8 × 10 जो लेना ले लो, ए की जगह 2, इतने न्यूटन आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, इसका अपरेंट वेट बोलते हैं। लेकिन अगर यही केस हो कि लिफ्ट ऊपर रिटार्ड कर रही है, ए इज इक्वल टू -2 meters per second square, और मैन अभी भी 50 kg का है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, अगर लिफ्ट ऊपर जाए तो फॉर्मूला क्या लगता है, ये लगता है ये लगता है, तो 50 × 9.8 + -2, तो ए की जगह यहां पर फॉर्मूले में प्लस टू मत पुट करना, माइनस टू पुट करना। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, बस आपने ये देखना है कि लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर जा रही है एक्सेलरेट कर रही है तो एन इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, और नीचे आ रही है तो एम इंटू जी माइनस ए। लेकिन अगर आपकी लिफ्ट कैसे आ रही है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, वेलोसिटी 2 meters per second कॉन्स्टेंट है, बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा 50 kg मैन का, बोलो एन क्या होगा, 0 की 50 जी
कितने लोग बोलते हैं 50 जी, सही बोलते हैं। चलो आप मान लो कंफ्यूज हो गए और आपको मैंने दिया लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप ऊपर का फॉर्मूला लगा दें। लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो फॉर्मूला क्या लगता है? ये लगता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलेरेशन क्या है, तो आंसर फिर से mg आ जाएगा। तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे अगर लिफ्ट चलती है तो n में कोई चेंज नहीं आता, n सेम रहता है। ये सारा चक्कर तब है जब लिफ्ट एक्सेलरेट करती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम की प्रॉब्लम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें?